अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपसे रिलेटेड हर तरह की खबरें अपने इस चैनल पर हम बताते रहते हैं। इंडिया की दो खबरें हैं, एक खबर फलस्तीन की है और तीन खबर सऊदी अरब की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें और देर ना करते हुए चलते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो दिखा देते हैं जो मोदी जी अपने भाषण में और इसको इस्तेमाल किए थे कि फांसी का जो है रेप करने वाले लोगों को अब फांसी होने वाली है और ऐसा ये भाषण दिए थे। तो ऐसे ही ये कहानी, इसको पहले वीडियो आप लोग देख लें, उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। रैप, बलात्कार, ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की, ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो। और ये खबर इंडिया उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में ब्राजील से आए हुए कपल वहां पे आराम कर रहे थे, जंगलों में टेंट लगा के आराम कर रहे थे, तो उन लोगों को 10 लोग घेर के और उसके मर्द को जो है बंदिश बना लिए और उसकी औरत का गैंगरेप किए। तो ऐसा हो गया है तो अब मोदी जी जो ये भाषण दिए थे, ये भाषण अब यहाँ पर काम आएगा और इनको फांसी कितना जल्दी मोदी जी की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि इनको फांसी दी जाएगी। और ये विदेशी हैं, विदेशी मेहमानों का तो हिंदुस्तान बहुत इज्जत करता है, लेकिन इनके साथ में इतना गलत हुआ है। और ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ये यूपी लखनऊ की है और लखनऊ उस जगह की है जिसका चर्चा पूरे देश में होता है। इसका नाम है, इस एरिया का नाम है विकास नगर। तो विकास नगर में आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश से और इतना बड़ा खड्डा, पूरा रोड का रोड नीचे धस गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और ये बोलता विकास है, ऐसे ही हर रास्ते में विकास होना जरूरी है। तो ये वीडियो आप लोग देखकर हंसना मत, ये लखनऊ की वीडियो है। लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में इलाज सही से नहीं होता है, तो आप लोग ये वीडियो देखकर आप ऐसी गलतफहमी को भूल जाएंगे। और ये 18 महीना पहले ईरान से आए हुए थे लोग, क्योंकि हम इसको ब्रेक करते हैं और बताते रहते थे आप लोगों को। तो अब ये खबर आई है तो हम आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे आपस में जुड़े हुए थे, अब ये अपने पैरों पर चलना चालू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चों को अलग करके उनका इलाज किया गया और दोनों बच्चों को अब ईरान ये रवाना हो रहे हैं। तो उसके हवाले से वीडियो आप लोग देख सकते हैं और उस बच्चों के माँ बाप बहुत खुश हैं कि हमने सऊदी अरब में आके और अच्छा काम किया और हमारे दोनों बच्चे जो है अब चलना चालू कर दिए हैं और एकदम स्वस्थ हैं। और यहाँ के बादशाह का भी शुक्रिया अदा किया। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो जद्दा की एक कंपनी की बताई जा रही है। तो वहां पर ये शख्स बीमार हुआ था और कंपनी वालों ने इसका इलाज नहीं करवाए और इसकी मौत हो गई है। और ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि किस कंट्री का है। और ये वीडियो बहुत वायरल है, तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और ये खबर सऊदी अरब की है जिसे बताया जा रहा है कि जो कंपनी गैर कानूनी तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे थे और उनको काम पर लगाने का काम करती थी, तो ऐसे 4 ऐसी कंपनियों का लाइसेंस छीन लिया गया है और उनको जो है उनकी मकतब भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसा इन लोग कर रहे थे कि जैसे भगे हुए भी लोगों को ये काम लगवा देते थे, तो इसी के हवाले से ये उल्लंघन माना गया है। और पहले से भी कई ऐसी खबरें आई हैं कि ऐसा काम ना करें, फिर भी कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं, तो इसलिए इस कंपनी के 4 ऐसे मकतब को बंद कर दिया गया है और लाइसेंस इनसे छीन लिया गया है। और ये 4 कंपनियां जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनको ये घर में काम करने के लिए ये प्रोवाइड करती थी और ये गलत तरीके से, यानी उनके पास कोई ऐसी आईडी भी नहीं होती थी, लेकिन ये फिर भी घरों में काम के लिए भेज देते थे, ये बताया गया है। इसीलिए इन लोगों का 4 ऐसी कंपनियों का लाइसेंस छीन लिया गया है और इनके ऑफिसें बंद कर दी गई। और ये खबर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से शाया की गई है और बताया गया है कि मुस्नद प्लेटफार्म पर के जरिए ये बताया गया है कि ऐसी 4 कंपनियों को बंद कर दिया गया है जो रिक्वायरमेंट का काम करती थी और ये कानून का उल्लंघन किए हैं और इन कंपनियों को लाइसेंस छीन कर और इन्हें बंद कर दिया गया है। और ये बहुत दुखद खबर फलस्तीन की है। फलस्तीन में जो अपने पेट के लिए आटा और दाल के लिए जो इकट्ठा लोग होते हैं, ट्रक आके पहुंचता है, तो वहां पर लोग पहुंचते हैं अपने पेट भरने के लिए, सामग्री लेने के लिए, और इसराइल की फौज ने वहीं पर ही फायरिंग करना चालू कर दी है, जिसमें बताया जा रहा है 104 लोगों की मौत हो गई है, 760 लोग ये घायल हो गए हैं। और इसराइल की ये फौज वहीं पर बम धमाके कर रही है और उनको गोलियों से भी मारी जा रही है। और एक छोटी सी क्लिप हम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बड़ी वीडियो यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। इससे पहले 2 स्ट्राइक हमारे चैनल पर पहले से लगी है। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली खबर में, हमें दें इजाजत, खुदा हाफिज़।